तो बरकत इस सुस्ती की वजह क्या है? भाभी मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते हैं। एक दोस्त बड़े बड़े बंगलों की तरफ देख के दूसरे दोस्त से कह रहा है कि जब यार इनकी किस्मत में बंगले लिखे जा रहे थे तब उस वक्त हम कहाँ थे। तो वो उसका दोस्त को पकड़ के हॉस्पिटल ले गया और मरीजों की तरफ इशारा करके कहा जब इनकी किस्मत में बीमारियां लिखी जा रही थी तब उस वक्त तुम कहाँ थे। और आजकल तो वो लड़के भी लड़कियों से कह रहे थे जानू मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम है, जिनकी मोबाइल सिम भी अपने अब्बा के नाम पे होती है। बिजली बंद करने वालों ने उल्टा कौन से शिकवा क्या है? क्या वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम में बगैर पंखे के बैठ सकते हो तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? लोगों की बीवियां बहुत खूबसूरत होती हैं, वो शाम को 6 बजे दोस्तों से कह रहे होते हैं चलिए यार मैं निकलता हूँ सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। जिन लोगों की बीवियां ऐसी ही होती ना वो रात को 3 बजे भी दोस्तों से कह रहे होते हैं यार बैठना यार कहाँ जा रहा है। और कहते हैं महबूब और अमरूद से परहेज करना चाहिए, अमरूद और महबूब से परहेज करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में कीड़ा होता है। सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। रेस में तुम दौड़ रहे हो और उस रेस में तुम्हारा कोई अपना नहीं, मुबारक हो तुम्हें कोई खतरा नहीं। की बात करें यार आप देखो यार कुछ बच्चे इतने क्यूट होते हैं कि उनको देखते ही उनकी मम्मी को भी देखने को दिल करता है। हमारे यहाँ के जो लड़के हैं इतने शदीद किस्म के फ्लर्ट करते हैं आप यकीन करो फकीर नहीं भी उनसे भीख मांगते हुए एक दफा सोचती है यार ये कहीं मुझे प्रपोज ही ना करते। ये जो मेरे दिमाग में 20-25 करोड़ रुपए है ना उसको बैंक में ट्रांसफर कैसे करूँ? शादी से नहीं कर रहा मैं, डर रहा हूँ शादी के बाद अगर औलाद मेरे जैसी निकलेगी तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। कहते हैं कि चमचागिरी वाहिद एक ऐसा शोभा है इसमें ना तनख्वाह मिलती है और ना ही इज्जत, लेकिन अक्सर लोग इसे बड़े शौक से करते हैं। कहते हैं कि अकलमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है। वाह, अकलमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है मगर अकलमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। वाह, इश्क वो हादसा है, इश्क वो हादसा है, इश्क वो हादसा है जो अना परस्त इंसान को फकीर बना देता है। अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया, मैंने उसको पूछा कुत्ता क्यों लाया, कह रहा है ये दिन में घर की हिफाजत करेगा। मैंने बोला अच्छा और रात में? कह रहा रात में तो मैं खुद होता हूँ ना। मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं था, मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं था, मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। लड़का कह रहा है सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था, सूसू रोक के उससे बात किया करता, सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था, शादी तो हुई नहीं पथरी हो गई।